जय श्री राधा कृष्णा। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई रेसिपी। पहले मेथी को धो के काट लेंगे। एक पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक, 10-12 पीस काजू, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, कटे हुए 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च। सबको अच्छे से भून लेंगे। भुने हुए टमाटर और काजू को पीस लेंगे। पैन को धो के थोड़ा सा पानी दे देंगे। और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, थोड़ी सी जीरा, 1 बड़े इलायची को कूट के डाल देंगे। इसमें डालेंगे कटे हुए मेथी। मेथी को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे इसमें टमाटर और काजू की प्यूरी। सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे सारे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। सबको अच्छे से मिला लेंगे। 2 मिनट के लिए मसाले भूनने के बाद इसमें डालेंगे उबला हुआ मटर और 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी। मैंने यहाँ पर 1.5 कप गर्म पानी दिया है। सब्जी हमारा हो गया है। अब इसमें डालेंगे मलाई। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मलाई में 2 चम्मच दूध मिलाकर डाला है। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। हाफ चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।